हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रह विज्ञान में एक टॉपिक लाई हूँ, विभिन्न वस्त्रों की धुलाई व सुरक्षा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुड़ के आधार पर कलफ कितने प्रकार के होते हैं? तो गुड़ के आधार पर कलफ तीन प्रकार के होते हैं। पहला गाढ़ा, दूसरा मध्यम, तीसरा पतला। मतलब गाढ़ा मतलब एक पहला जो कलफ गाढ़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, और सेकंड मध्यम ना वो गाढ़ा होगा ना पतला होगा, बीच का होगा, ठीक है, दोनों मिक्स होगा। और पतला पतला बहुत ही बड़ा पतला कलफ होगा। तो इस तरह गुड़ के आधार पे कलफ तीन प्रकार के होते हैं, गाढ़ा, मध्यम, पतला। फिर है, कलफ लगाने से क्या लाभ होते हैं? तो कलफ लगाने से कपड़ा देखने में सुंदर लगता है, देह से गंदे होते हैं, प्रेस भरी प्रकार से हो जाती है, कलफदार कपड़े पहन के व्यक्ति रौनकदार लगता है, ठीक है। फिर है, सूती कपड़ों को प्रेस करने से पूर्व पानी क्यों छिड़का जाता है? हाँ, मैंने भी देखा है, जो लोग प्रेस करने के लिए अपना कपड़ा देते हैं तो देखिएगा ठेले पे एक जन उनकी ठेला बना रहता है, उसी पे तो कपड़ा प्रेस करते हैं, तो पहले से छींटे मारते हैं और फिर प्रेस करते हैं। मैंने भी देखा है, मैं तो अपने भैया इलेक्ट्रिसिटी से करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है मेरे यहाँ, तो मैं तो पानी के छींटे डाल के तो नहीं करती हूँ, पर वो लोग करते हैं। पर क्यों करते हैं? तो सूती कपड़ों को प्रेस करने से उन पर पानी क्यों छींका जाता है? पानी छिड़कने से वो नम हो जाते हैं, जिससे प्रेस करने में सिलवटें बिल्कुल निकल जाती हैं, ठीक है, जो आपकी सिलवटें हैं सूती कपड़े की वो निकल जाती है। फिर नायलॉन पर कैसे प्रेस करनी चाहिए? तो उन पर प्रेस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। उन्हीं वस्त्रों की सुरक्षा कैसे करेंगी? तो अधिक मैला होने से पहले साफ़ कर लेंगे उसे, उन्हीं वस्त्रों को व्यर्थ में लटके नहीं रहने देंगे, धूल मिट्टी उसमें तो वैसे भी छा जाएगी। इन्हें पहन के सोएंगे नहीं, बने रोए निकल आते हैं। जाड़े के बाद फिनाइल की गोली नीम की सूखी पत्ती डाल के अलग अलग कपड़ों को अखबार या पुराने कपड़ों में लपेट कर रख देंगे। फिर कच्चे रंग के वस्त्र कैसे धोएंगे? तो कच्चे रंग के कपड़ों को एक चम्मच पीसा नमक या सिरके के पानी में 10-15 मिनट भिगोकर धोने से रंग कम निकलता है। फिर है, वस्त्र धोने की विधियां। तो वस्त्र धोने की विधियां हैं दो, एक तो रगड़कर और हाथ से दबा दबा कर धोना, धीरे धीरे हाथ से दबा दबा के धोना, और कस कस कर रगड़ रगड़ के धोना। तो सूती वस्त्रों को हम लोग रगड़ के धोते हैं, और रेशमी और ऊनी वस्त्रों को हम लोग हाथ से धीरे धीरे दबा के करते हैं, धोते हैं, ठीक है। फिर भट्टी चलाना किसे कहते हैं? गंदे वस्त्रों को सोडा या साबुन के साथ उबालने को भट्टी चलाना कहते हैं। फिर वस्त्रों को धूप में कैसे सुखाना चाहिए? तो सूती वस्त्रों तथा सूती छपे वस्त्र, जो सूती प्रिंटेड वस्त्र नहीं होते हैं, जैसे प्रिंट बना होता है छपे हुए होते हैं, तो वही सूती छपे वस्त्र से मतलब है इनका। तो सूती वस्त्र या सूती छपे वस्त्र उल्टे करके धूप में सुखाना चाहिए, वरना धीरे धीरे सूती वस्त्रों का रंग ना धूप ले लेती है, धूप से सारा रंग उड़ जाता है और वो बहुत ही जल्दी पुराने लगते हैं। हम तो अधिकतर कम धूप वाली जगह में अपने कपड़े पसार देते हैं सूती वस्त्रों को, जिससे कि उसका रंग नहीं जाने पाता है। थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, पर भाई रंग भी तो नहीं जाना चाहिए, वरना नया कपड़ा लेकर आओ, दो चार बार पहनो और रंग चला जाए तो फ़ायदा क्या है ना। इसलिए रेशमी वस्त्रों की चमक बनी रहने के लिए क्या उपाय करेंगी? रेशमी वस्त्रों धोने के बाद उन्हें एक चम्मच स्प्रिट या आधे नींबू का रस थोड़े पानी में मिलाकर थोड़ी देर के लिए डालने से चमक बनी रहती है। फिर रेशमी कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए आप क्या करेंगी? तो रेशमी वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए गोंद का हल्का कलफ लगाएंगे। फिर रेशमी वस्त्रों को साबुन में धोना चाहिए। रेशमी वस्त्रों के लिए कम कास्टिक सोडा वाला साबुन, जैसे डबल सर्फ पाउडर, जेंटिल आदि
उत्तम है। घर पे वस्त्र धोने से क्या लाभ है? तो घर पे वस्त्र धोने से पैसे की बचत होती है, समय पे तैयार हो जाते हैं वस्त्र धुल के, फिर वस्त्र सीख खराब नहीं होते हैं, संक्रामक रोग से भी बचाव होता है और कमज़ोर वस्त्र भी सावधानी से धोने के कारण फटने नहीं पाते हैं। भाई मेन बात तो धोबी जब धोबी घाट पर कपड़े धोता है तो एक इंसान के तो कपड़े धुलेगा नहीं, वो तो बहुत लोग घर से लेकर आता है, सबके साथ में धुलता है। तो कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, तो सारे कपड़ों के जो कीटाणु होते हैं इधर उधर घुस जाते हैं और आपको फिर वो धुल के दे जाता है, आप पहन लेते हो तो वो रोग के रुगाणु आपके कपड़े घुस जाते हैं, आप पहन तो आप बीमार हो जाते हैं, तो संक्रामक रोग का बचाव भी होता है। फिर है जो आपके कमज़ोर वस्त्र हैं, आपको पता नहीं कमज़ोर वस्त्र होता, आप आराम से धुलोगे ना, धोबी वाला को तो बस पैसा चाहिए धुल के, तो वो तो पटक 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 धुलेगा और जल्दी फटने भी लगेंगे। ठीक है, घर में खुद से जो काम आप करोगे ना, वो काम आपका काम कोई दूसरा उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। आप अपने काम की केयर करके काम करोगे ना कि हाँ ये काम जल्दी ख़राब ना हो। दूसरा कहेगा हमें तो पैसा चाहिए, भाई जल्दी काम करके दो और पैसा लो। रीठे से कौन कौन से कपड़े धोने चाहिए और कौन से नहीं? रीठे से रंगीन ऊनी कपड़े धोने चाहिए, सफ़ेद नहीं। सफ़ेद ऊनी कपड़े रीठे से पीले पड़ने लगते हैं। कलफ में सुहागा क्यों डाला जाता है? तो सफ़ेद कपड़ों में चमक आ जाती है कलफ में सुहागा डालने से। तो फ्रेंड्स, ये थे वस्त्रों की धुलाई व सुरक्षा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।